पुराने समय से ही धरती पर कई रहस्य ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर इंसानों को हैरत में डाला है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में धरती पर बसी इंसानी सभ्यताओं ने कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया जिनकी खोज आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। इन्हीं ऐतिहासिक रचनाओं में नाम आता है पिरामिड का। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पिरामिड से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। खोजकर्ताओं में काफी लंबे समय से इनके बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहे हैं। उनका मानना है कि पिरामिड हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहे हैं और इनके बनाए जाने के पीछे की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फिल्मों के माध्यम से हम अक्सर ही पिरामिड और उनके अंदर दबी मम्मी के बारे में सुनते हैं, पर ये कहानियां कितनी सच्ची हैं इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये कैसे बनाए गए होंगे और इनके भीतर क्या है, इसे लेकर भी कई तरह की कहानियां जरूर हैं, लेकिन ऐसे सवालों को लेकर माथापच्ची आज भी जारी है। माना जाता है कि आज भी जब कभी इस क्षेत्र के रहस्यों को जानने की कोशिश की जाती है तो कोई नई गुत्थी ही सामने खुलकर आती है, और शायद यही कारण है कि इनके अस्तित्व में होने के सवाल से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। तो आखिर क्या है ये पिरामिड और इनके पीछे का रहस्य, चलिए जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पिरामिड क्या है? पिरामिडों का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले दुनिया के हर कोने में एक ही समय में कई पिरामिड बनाए गए। ये वो समय था जब इजिप्ट, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मेहरगढ़ जैसी कई सभ्यताएं विकसित थीं, जिनके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी। पिरामिड दरअसल दिखने में त्रिभुज यानी ट्रायंगल की तरह होते हैं, जहां ऊपर से ये नुकीले और एक त्रिकोण की तरह दिखते हैं। वहीं इनका बेस काफी चौड़ा होता है जो इनकी नींव को मजबूती प्रदान करता है। आमतौर पर इनकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक की होती है। जहां इस पिरामिड के फर्श चौकोर होते हैं, वहीं इनकी दीवारें नीचे से ऊपर की ओर ढलान में होती हैं। मानव द्वारा बनाए गए सभी सुंदर ढांचों में से एक ये पिरामिड देखने में यूं तो सबसे अद्भुत और रोमांचक लगते हैं, लेकिन इनको बनाने का काम उतना ही मेहनत और थका देने वाला है। आमतौर पर पिरामिडों को प्राचीन समाधि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मिस्र में इनका निर्माण समाधि गृह के रूप में किया गया था। और इस बयान की पुष्टि के लिए पिरामिड में कई ताबूत भी मिले हैं जिसमें शाही लोगों के शरीर को बंद करके रखा गया था। पिरामिड कैसे बनाए गए? यूं तो दुनिया के कई कोनों में पिरामिड पाए जाते हैं, लेकिन मिस्र के पिरामिड दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इजिप्ट में पाए जाने वाले पिरामिड कायरो के बाहरी इलाके गीजा में पाए जाते हैं। तकनीकी तौर पर ये सभी पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट से 9 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। माना जाता है कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों की मेहनत लगी थी, और ये मजदूर किसी भी तरह के शाही गुलाम न होकर वेतन भोगी थे जिन्हें अपनी मेहनत का दैनिक वेतन मिला करता था। इसके साथ ही पिरामिड को बनाने के लिए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अनुमान लगाया जाता है कि इसको बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, और इन सभी पिरामिडों का वजन इसकी ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। जहां छोटे पिरामिड का वजन 2 से 30 टन तक का पाया गया है, वहीं बड़े आकार का पिरामिड का वजन 45,000 टन तक पाया गया है। पुरातत्वविद और वैज्ञानिकों की स्टडी से पता चलता है कि औसतन एक पिरामिड को बनाने में लगभग 200 साल का समय लगा। वहीं मिस्र के सबसे लोकप्रिय गीजा ग्रेट के पिरामिड को बनाने में 85 साल का समय लगा, जिसका सीधा परिणाम ये आता है कि एक समय पर केवल एक नहीं बल्कि कई पिरामिड बनाए गए होंगे। हालांकि इन पिरामिडों को बनने में लगी सामग्री का सही अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गीजा के पिरामिड में लगभग 5.5 अरब सामग्री लगी है, यानी आम भाषा में कहें तो 60 लाख टन, जो कि इंग्लैंड में बने सभी चर्च में लगी सामग्री के बराबर है। स्वास्तिक और पिरामिड। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है कि स्वास्तिक और पिरामिड में ज्यादा फर्क नहीं है। इन लोगों का मानना है कि स्वास्तिक और पिरामिड की संरचना में कोई तो कड़ी है जो जुड़ी हुई है। इस कड़ी पर गौर करने में ये बात सामने आती है कि स्वास्तिक अपने आप में एक पिरामिड है। अगर हम कागज से स्वास्तिक बनाएं और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़ें, तो ऐसे में आपको पिरामिड का आकार दिखाई देगा, जिसे देखकर ही आज के लोगों में ये मान्यता है कि पिरामिड एक तरह से स्वास्तिक का ही प्रकार है। इसके साथ ही माना जाता है कि स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया था,
और स्वास्तिक को हिंदू धर्म में शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर की वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर। पिरामिड पर शोध करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का विश्वास है कि सभी पिरामिड को एक सुनियोजित प्लान के साथ बनाया गया। अगर ध्यान दिया जाए तो हम पाते हैं कि दुनिया में मौजूद सभी पिरामिडों को नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बनाया गया है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इन सभी को नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर के इफेक्ट्स को जानकर बनाया गया है। इसके साथ ही इनका निर्माण जियोमैग्नेटिज्म और कॉस्मिक वेव्स को भी ध्यान में रखकर किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो पिरामिडों की संरचना से जुड़े हैं और जिनके होने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पिरामिड राजाओं की कब्र थी और इनका निर्माण उन्हें दफनाने के लिए किया जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिडों की ऊंचाई पर रखे जो शव यानी ममी खोजकर्ताओं के हाथ लगी, हमें उनसे पता चलता है कि ये शव आज तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। दरअसल खोजकर्ता इसके पीछे साइंस का बड़ा हाथ मानते हैं। उनका मानना है कि पिरामिड में रोशनी, जलवायु और एनर्जी संतुलित रूप में आती है, जिसके चलते कोई भी वस्तु बर्बाद नहीं होती और यही कारण है कि इसके अंदर मिले शव सही अवस्था में होते हैं। ये रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उनको इतना भव्य आकार देते थे कि वो हजारों साल तक कायम रहे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसकी संरचना ऐसी है कि ये इंसानी शरीर को अमरता प्रदान करता है। अगर रोज कुछ समय तक पिरामिड में रहा जाए तो इंसान की उम्र बढ़ सकती है। स्टडी के माध्यम से ये भी बात सामने आई कि अगर पिरामिड के अंदर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके गुण धर्म में बदलाव आ जाता है। यानी किसी प्रकार की छोटी लकड़ी या खाने की वस्तु को पिरामिड के अंदर रखा जाए तो वो बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। इसके साथ ही इस बात का खुलासा भी हुआ है कि कुछ समय के लिए अगर पानी को पिरामिड के अंदर रखा जाए और बाद में उस पानी को पिया जाए तो पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक छुटकारा मिलता है। यही पानी जब त्वचा पर लगाया जाता है तो उससे झुर्रियां मिटाई जा सकती हैं। घावों को जल्दी भरने में भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर अगर ध्यान साधना की जाए तो पाया गया है कि सभी तरह के तनाव से छुटकारा मिल जाता है और शरीर में नई तरह की एनर्जी महसूस होती है। इसके साथ ही जब पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाया जाता है तो बड़ी देर तक इसकी आवाज गूंजती रहती है। इसके साथ ही एक खास बात पिरामिड में देखी गई है कि अगर बीजों को बोने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वे जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। इन पिरामिडों में ऐसी शक्ति होती है कि अगर बीमार पौधों को इनके अंदर रखा जाए तो इन्हें भी ठीक किया जा सकता है। यूं तो दुनिया के हर कोने में पिरामिडों को पाया गया है, लेकिन मिस्र के पिरामिड हमेशा से ही मशहूर रहे हैं। ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि मिस्र के पिरामिड इतिहास में खो गई पुरानी सभ्यता के बारे में कई बातें उजागर करते हैं। ये एक तरह का ऐतिहासिक तीर्थ है जो अब मकबरे में बदल गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अब तक मिस्र में 138 पिरामिड और काहिरा के गीजा में 3 पिरामिडों का पता लगाया जा चुका है। गीजा के इन पिरामिडों को द ग्रेट पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है और 4000 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। हालांकि माना जाता है कि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं, लेकिन खोजकर्ताओं का मानना है कि आज भी मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण संभव नहीं है। इतिहासकार आज तक नहीं जान पाए हैं कि इन पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि हजारों साल बाद भी ये पिरामिड बिल्कुल सही अवस्था में पाए जाते हैं और इनकी चमक अभी तक बरकरार है। मिस्र के पिरामिडों पर जितने शोध किए गए उतना कम है। माना जाता है कि हर बार खुदाई में यहाँ कोई ना कोई नया रहस्य निकल आता है। दुनिया भर के इंजीनियर और इतिहासकार इन पिरामिड की संरचना और इसके अंदर दफन ममी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए कई शोध करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही एक शोध के माध्यम से जर्मनी के बान यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक इथोपिया की एक पिरामिड से मिली 12 सेंटीमीटर लंबी बोतल के अंदर के राज जानना चाह रहे थे। ये बोतल खूबसूरत संगमरमर की बनी थी और शोध करने पर पता चला कि बोतल करीब 3500 साल पुरानी है, जिसमें कभी इत्र रखा जाता था। वैज्ञानिकों ने इस बोतल का सीटी स्कैन किया, जिससे पता चला कि इत्र सूख चुका है और इस इत्र का इस्तेमाल मिस्र की एक राजकुमारी फाराओ करती थी। आज तक मिस्र के विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। माना जाता है कि इस पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है
और इसके रहस्य को उजागर करने के लिए खोजकर्ताओं द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिस्र के पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे? हमें अपने जवाब कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।